दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली है, तब से मीडिया में और लोगों में एक बहस छिड़ी हुई है उसकी मौत के कारणों को लेकर। और ऐसे में किसी की मौत के दुख से ज्यादा उस पर स्पेकुलेशंस हावी हो जाती है। आउटसाइडर है, इनसाइडर है, वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहेगा। ये आज का दस्तूर नहीं, ऐसा सालों से होता चला आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह चले जाना सभी को परेशान कर रहा है, जिसके बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला इंसान इस तरह अपनी जिंदगी कैसे खत्म कर सकता है। सुशांत के इस तरह चले जाने के बाद अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो डाला था। इसी कड़ी में अनुपम खेर ने कल ये वीडियो डाला है, जिसमें वो लाखों नौजवानों से कहते हैं कि हो सकता है आपके सपनों को पूरा होने में ज्यादा वक्त लगे, लेकिन हार मत मानिए। मैं उन हजारों लाखों नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से मुंबई नगरी में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हो सकता है इन सब खबरों को देखकर सुनकर आपके या आपके माता पिता के मन में एक शंका, घबराहट पैदा हो रही हो कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। क्या ऐसा ही होता है इस नगरी में? अनुपम कहते हैं कि सुशांत सिंह के इस तरह चले जाने के बाद तमाम उन लोगों के मन में प्रश्नों के बादल उमड़ रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में। अनुपम आगे कहते हैं कि आज से 39 साल पहले जब मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आया था, तब मुझे भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। आज से 39 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरे, गंजा है, केंकड़े जैसा पतला है, हिंदी मीडियम स्कूल का है, एक्टर बनने के लिए बाल चाहिए, टैलेंट तो किसी के पास भी हो सकता है। और 1981 में ये बातें सही भी थी। क्रिटिसाइज करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपके हौसलों को पस्त करने वाले आपको आपके आसपास हमेशा दिखाई देंगे। मुंबई में एक्टर बनने का सपना पाले आए लोगों से अनुपम कहते हैं कि तुम्हें हारना नहीं है, अपने सपनों को बीच में छोड़ना नहीं है, डटकर सामना करना है। हारना नहीं है, अपने सपनों को बीच में छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, तो मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा, हार मत मानना, क्योंकि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। डिप्रेशन में रहने वालों या उदास रहने वालों को अनुपम कहते हैं कि अपने सपनों को हमेशा अपनी उदासी से आगे रखो। अगर आप उदास हो तो दोस्तों से बात करो, अपने माता पिता से बात करो। जब उदास हो तो दोस्तों से, अनजान लोगों से बातें करो, माता पिता को फोन करो, उन्हें बताओ कि तुम उदास हो, अकेले हो, मगर अपने इरादों पर अटल हो, हारे नहीं हो। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अकेले रहो मगर दृढ़ रहो, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सके। अपने वीडियो के आखिर में अनुपम सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता था उन्हें क्या परेशानी थी, लेकिन अब हम आउटसाइडर होकर हारे नहीं, वही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। शायद सुशांत सिंह राजपूत बहुत अकेला था, या उसे क्या दुख सता रहा था हम नहीं जानते, पर इससे बड़ा ट्रिब्यूट हम उसे क्या दे सकते हैं कि आउटसाइडर बनकर हम हारे नहीं। हमारी जीत उसके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।